खाना था तो आला बन गया, सदक था तो गोबर बन गया, राशन था तो राहबर बन गया, शक्ल था तो सही बन गया, नापाक था तो पाक बन गया, बुरा था तो अच्छा बन गया, जान नबी था तो जन्नती बन गया। यही वो दरबार आलिया है जहाँ अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, उस्मान आए तो जन्नत बन गए, अली आए तो हैदर कर्रार बन गए, और बिलाल हबशी आए तो जन्नत के हकदार बन गए। तभी तो अरैनी के ताजदार, अच्छे रजा, सबके रजा, हम सबके रजा, हे बाबा अहमद रजा पुकार उठे, मेरे करीब से डर अपराध किसी ने ना जा, दरिया बढ़ा दिए है दुर्बे वक्त। दुनिया में रहता हूँ मगर चलने का अंदाज अलग होता है, बोलने का अंदाज अलग होता है, लिबास पहनने का अंदाज अलग होता है, गुफ्तगू करने का अंदाज अलग होता है। फिर जब भी कोई देखता है तो बतांगे द्वार कह देता है, ये कोई और नहीं, ये किसी थानेदार का दीवाना नहीं, ये नायबे परवरदिगार का दीवाना है। घर पे चलने का अंदाज बता रहा है, खाने का अंदाज बता रहा है, चेहरे की रौनक बता रही है, तो दुनियादार का दीवाना नहीं, अहमद मुख्तार का। हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला ये मुस्तफा के हुजरे के पास दरवाजे के पास खड़े रहते थे, निगबानी मतलब दरबार की शक्ल में खड़े रहते थे। एक यहूदी आया और उन्होंने कहा या सौबान ऐना मोहम्मद, क्या कहा, आई सौबान मोहम्मद कहाँ है। तो नबी का दीवाना था, नबी का मस्ताना था, इतना तेज गुस्सा आया कुछ नहीं देखा। केलाके का सेठ है, मालदार है, ठेकेदार है, बड़ा आदमी, कुछ नहीं देखा, इतना तेज गुस्सा मारा। मुस्तफा फरमाते चूतर के बल गिर पड़ा और जैसे ही गिरा झुंझला गया, उसकी रगे अमिचत जोश आ गई, उठा कर आता है बड़ा, तूने मुझे मार। मैंने तो फकत इतना ही कहा था कि मोहम्मद कहाँ है, क्यों मारा तूने। क्या बदबख्त, तुझे पता नहीं मेरे आका का मकाम क्या है, तुझे पता नहीं मुस्तफा का रुतबा क्या है, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरे आका का नाम लेकर के पूछेगा कि मोहम्मद कहाँ है, बदबख्त रसूलुल्लाह कहाँ है। ये मत कह के मोहम्मद कहाँ है, बल्कि ये कह के रसूलुल्लाह कहाँ है। तो ये है दीवानों की सोच।